जैसे ही जूम क्लाउड मीटिंग को आप लिखेंगे तो आपको ये इस तरह का खुल जाएगा, आइकॉन आ जाएगा, देख पा रहे हैं इसको, जूम क्लाउड मीटिंग यूएस। देखिए सर ने आपको अंकित कर दिया है इस तरह से, बॉक्स के अंदर में ऐसा दिखेगा सिंबल, इसको आपको डाउनलोड करना है, इसके लिए इंस्टॉल का ऑप्शन दिया हुआ है ये बॉक्स में, ठीक है पिंकी मैम, इसको इंस्टॉल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही इंस्टॉल करना शुरू करेंगे तो जैसे ही हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट बॉक्स में आप देखिए इस प्रकार से हमारे मेन स्क्रीन पे जो हमारा पेज होता है उस पर आपको इस तरह का जूम का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा, आपको इसको टच करना है, टच करते ही ये ओपन हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके अंदर में इस तरह का आइकॉन खुल जाएगा, जैसे आज मीटिंग में आप ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन ए मीटिंग का लिंक यहाँ पे मांगा है, क्लिक करेंगे तो ज्वाइन ए मीटिंग आपका ऑन हो जाता है ऑप्शन, इस बॉक्स जैसे दिखाया गया है सेम इस प्रकार से। इसको टच करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है मीटिंग आईडी, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर में तो मीटिंग आईडी आज का आप डाले होंगे, उसके बाद ओपो ज्वाइन विद ए पर्सन लिंक नेम नाम दिया हुआ है, इसमें आपको नाम भी यहीं पे इरेज कर लेना है, इसको यहाँ से हटा देना है और आपका जो भी नाम है उसको आप यहाँ पे सही सही अंकित कर देंगे, ठीक है, जो आपका नाम है डाल देंगे, उसके बाद आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप जैसे इसको टच करते हैं तो आपसे पूछा जाता है मीटिंग का पासवर्ड, जो आप इस बॉक्स में आप देख पा रहे हैं मीटिंग का पासवर्ड क्या है, जो 555555 दिया गया है ब्लैक कलर में, ये पासवर्ड आपको टाइप कर करके जैसे ही टच करेंगे आप मीटिंग के अंदर इन कर जाएंगे, ठीक है मैडम, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आप देखिए जिस प्रकार से बताया गया है, अब यहाँ मीटिंग पासवर्ड के डालने का ऑप्शन भी बताया गया, यहाँ ओके कर देना है, ओके बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके बटन आप क्लिक किए जूम मीटिंग के अंदर में आप एंट्री कर गए। अब यहाँ देखिए आपका जूम का जो मेन पेज है वो आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे बाएं साइड में ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, कई बार क्या होता है मीटिंग में ज्वाइन कर जाते हैं पर हमें आवाज नहीं आती है, ऐसा होता है मैडम? यस सर। ऐसी अवस्था में ज्वाइन ऑडियो का ये बॉक्स दिया गया है जहाँ पे तीर का निशान से दिखाया जा रहा है, इस ज्वाइन ऑडियो पे हम लोग टच करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप टच करेंगे तो वहाँ पे इस तरह से वाईफाई और सेलुलर डाटा, ठीक है, लिखा हुआ आएगा, सिर्फ आपको उसको टच कर देना है, ठीक है मैडम? जैसे इसको टच करेंगे तो आपको जूम मीटिंग के अंदर में जो भी साथीगण अपनी आवाज में बोल रहे होंगे वो आपको क्लियर सुनाई पड़ने लगेगा। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब हम लोग किसी को, जैसे आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए, इस तरह का बॉक्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आता है, तो आप जैसे इसको टच करेंगे तो आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। क्लियर है मैडम, यहाँ समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बढ़िए सर। अब यहाँ पे अभी अभी प्रश्न पूछा गया था कि अगर मान लीजिए हम स्क्रीन शेयरिंग को ऑन नहीं किए और हमको अपना फोटो या वीडियो दिखाना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो वीडियो को ऑन करने पे स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे आता है, वहाँ क्रॉस का ऑप्शन लगा होता है जैसे इस बॉक्स में दिखाया जा रहा है, सिर्फ उसको टच करेंगे क्रॉस हटेगा ही हमारा वीडियो दिखने लगेगा। और यहाँ पे अगर आपको अपने सामने का चीजों को दिखाना, अगर आप सामने बैठे उसको दिखाना है तो फ्रंट कैमरा ऑन ऑटोमेटिक रहता है जैसे वीडियो ऑन करते हैं, लेकिन ऊपर में अगले अथी पे ले चलिए अंकित सर, यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको जो है ना कैमरा का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपका वॉइस का ऑप्शन दिख रहा है स्पीकर का, उसके जस्ट बगल में देखिए कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है जो कि आपको रेड बॉक्स में दिखाया गया है, यहाँ क्लिक करते ही आपको बैक कैमरा दिखने लगेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपने घर में क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का फंक्शन ओकेजन चल रहा है, जो भी चीज चल रहा है यहाँ से बैक कैमरा ऑन करते ही इसका फुल एंजॉयमेंट ले सकते हैं। अब आपका आता है, आप देखिए आप
यहाँ पे शेयर के बगल में पार्टिसिपेंट का ऑप्शन आ रहा है, जो कि आपको रेड बॉक्स में यहाँ दिखाया जा रहा है, देख पा रहे हैं मैडम? अब यहाँ पे ज्वाइन मेंबर को देखने के लिए कि कितने लोग इस मीटिंग में उपलब्ध हैं, मेरे कोई पास सहयोगी साथी आज मीटिंग में आए हैं नहीं आए हैं, उसको देखने के लिए आप पार्टिसिपेंट पे टच करेंगे तो आपका आइकॉन पूरा बन जाएगा, वहाँ पे आपका टोटल पार्टिसिपेंट देखना शुरू हो जाएगा। आप जैसे देखिए अंकित सर ने दिखाया यहाँ पार्टिसिपेंट की संख्या में अंकित मित्तल खुद हैं उस मीटिंग में, तो यहाँ आपको दिख पा रहा है। यहाँ पे टोटल मेंबर का डिटेल्स आ जाता है कि 5 है, 10 है, 25 है, 26 है, आपके कौन कौन से हैं उसको आपको देखते रहना है। ठीक है मैडम, समझ में आ रहा है ना? ये चीज आपको समझाना पड़ेगा। समझा दीजिएगा ना हमको। अब यहाँ पे देखिए आपको अगला बॉक्स में दिखाया जा रहा है मोर का ऑप्शन। ठीक है, पहला हमारा ज्वाइन ऑडियो था, उसके बाद स्टार्ट वीडियो था, उसके बाद शेयर था, पार्टिसिपेट था, मोर का ऑप्शन आ रहा है। मोर का ऑप्शन क्लिक करते ही आपको चार तरह का ऑप्शन यहाँ दिखेगा, सिक्योरिटी, चैट, मीटिंग सेटिंग, डिस्कनेक्ट ऑडियो। ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा और आपका नेटवर्क का कोई इशू है तो आप वहाँ पे मोर में चैट में जा करके आप कुछ भी चीज को लिख सकते हैं। यहाँ चैट बटन को आप क्लिक कर दिए, अगले स्क्रीन पे ले चलिए, देखिए यहाँ पे चैट का एक बॉक्स बना हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, सेंड टू एवरीवन है या किसी को पर्सनल भेजना है तो पर्सनल पे उसके नाम पे टच कर लेंगे, और यहाँ पे आपको एक बॉक्स आएगा, इसमें जो भी मैसेज हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना चाहते हैं लिख करके आप सेंड कर देंगे, हम लोग तक ये सारा चीज पहुंच जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हेलो लिखा गया, हेलो लिखने के बाद इन्होंने यहाँ से क्लिक किया, देखिए सेंड का ऑप्शन इस तरह का बना हुआ बॉक्स आ रहा है, रेड तीर का निशान से यहाँ दिखाया जा रहा, दिख रहा है ना मैडम? इसको क्लिक करते ही ये मैसेज ऑटोमेटिक स्क्रीन पे हम लोग जिसके पास भी भेज रहे हैं उसके पास चला जाएगा, वो वहां दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी, चैट, मीटिंग, डिस्कनेक्ट के बाद में रेज हैंड का ऑप्शन ऑटोमेटिक नीचे में आता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि मैडम आप अपना हैंड रेज कीजिए, तो यहाँ से हैंड रेज भी कर सकते हैं आप। तो आपको अगर आप आज के बाद हैंड रेज करना, ऑडियो ऑन करना, फोटो शेयर करना, ये सारे चीज के बारे में पूछा जाएगा तो बता देंगे मैडम। आगे बढ़िए अंकित सर, अब आता है स्क्रीन शेयरिंग। अब हम लोग स्क्रीन को कैसे शेयर करेंगे, तो देखिए आपके मेन बॉक्स में आपको ग्रीन कलर का शेयर लिखा हुआ आ रहा है, जो कि यहाँ पे रेड बॉक्स के अंदर में तीर के निशान से बताया जा रहा है। तो शेयर को जैसे ही टच करेंगे तो आपको इतने तरह का आइकॉन एक एक करके दिख जाएगा, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव दिखा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट दिखा रहा है, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, ये सारे के सारे एक साथ दिखाएंगे। यहाँ देखिए स्क्रीन दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे टच करना है। यहाँ पे ये दो बॉक्स में दिखाया गया है, परंतु ऐसे ये जनरली लगातार में आपको ऐसे स्क्रॉल करते जाना होगा। स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में ये स्क्रीन आएगा, फोटो के बाद नीचे इस तरह से 8वें नंबर पे स्क्रीन आता है। तो जहां पे स्क्रीन आपको दिखता है सिर्फ वहां पे आपको देखिए एरो का निशान दिख रहा है, उस पे सिर्फ अपने अंगुली को टच कर देना है, स्क्रीन शेयरिंग आपका ऑन हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए सर, अब यहाँ पे देखिए कई बार स्क्रीन के नीचे शेयर व्हाइट बोर्ड का भी ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी को चिट्ठी पत्र लिखते हैं या बोर्ड पे कुछ बताते हैं, तो यहाँ पे आप अपने उंगली से शेयर बोर्ड को टच कर देंगे तो व्हाइट एक बोर्ड आ जाएगा, आप वहाँ पे कोई भी चीज सिखाना पढ़ाना चाहते हैं तो सिखा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप बोर्ड को स्टॉप कर करके आप वापसी से देखिए स्टॉप का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस प्रकार से आता है, आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप को क्लिक करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। पेंसिल का जो ऑप्शन आ रहा है ये देखिए स्टॉप, जो पेंसिल सारे दिख रहे हैं आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आप देखिए कि यहाँ एरो तीर का निशान के माध्यम से शेयर को बंद करने का ऑप्शन बताया गया है, आप इसके भी ऑप्शन का यूज कर करके आप इन सारी चीजों को बंद कर सकते हैं। ठीक है मैडम, आगे बढ़िए सर,
अब आपको कैमरा के विषय में है? जानकारी अगर नहीं है तो यहाँ पे कैमरा का भी बटन है, उसको टच करके आप देख सकते हैं कि कैमरा को कैसे ऑन ऑफ किया जा सकता है, और इसके माध्यम से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। कैमरा को ओपन कर दिया, आप देखिए कैमरा के माध्यम से आपको दिख रहा है आपका पीछे क्या क्या हो रहा है। तो मान लीजिए इसका इतना बड़ा फायदा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी इसका खूब इंजॉय कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर परिवार में कोई फंक्शन हो रहा है, आप किसी कारण से वहां पर उपलब्ध नहीं है, अगर आप जूम मीटिंग को चालू कर देते हैं तो आप 100 आदमी के साथ 40 मिनट, 30 मिनट का उसका मिनिमम टाइम होता है, 10 मिनट एक्सटेंशन टाइम मिलता है, 40 मिनट तक आप फुल एंजॉय कर सकते हैं वहां फैमिली को। कैमरा ऑन कर दिए, जो भी घर ओकेजन में फंक्शन चल रहा है, चाहे बर्थडे मन रहा है, शादी मन रहा है, चैटिंग भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, घर बैठे कहीं जाए भी ना इसका एंजॉय ले सकते थे। ये पर्सनल लाइफ में भी बहुत फायदा आपको करेगा, ऐसा नहीं सिर्फ प्रोफेशनल में खाली जूम मीटिंग आने के लिए फायदा है। अब स्क्रीन शेयर के विषय में बताया जा रहा है, देखिए इस बॉक्स में स्क्रीन पे टच किया गया है, बटन को टच करके आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़। आप देखिए जूम में दो तरह का ऑप्शन आता है, जूम विल बी स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे दिखाने के लिए कैंसल और अलाउ का ऑप्शन आता है। अगर आप अलाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपका स्क्रीन शेयर होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको जहां जाना है चले जाइए। कई बार क्या होता है कि इस तरह का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। अंकित सर एक और जो ऑप्शन आता है जूम का वो वाला आया है? नहीं सर वो तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग को वो भी बता दिया, कई कई मोबाइल में ऑप्शन आता है कि वहां पे अदर एप्लीकेशन आ जाता है, देखिए जैसे यहाँ पे अदर एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है। तो कई बार ऐसे एप्लीकेशन आते हैं तो अदर एप्लीकेशन में यहाँ पे देखिए जूम का कहीं पे भी हो जूम को सेलेक्ट कर लेना है, इस एरो बॉक्स में आपको दिखाया जा रहा है। जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो आपका तब जा करके अलाउ होगा, तब आपका स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद इस पेज से आपको बाहर आने के लिए आपके मोबाइल पे देखिए सबसे मोबाइल में नीचे में आपको तीन डंडी का स्क्रीन आपको दिख रहा होगा अपने खुद के मोबाइल में, इस बात को देखने का प्रयास कीजिएगा। वहां से आप दूसरे पेज में जहां पे भी आपका क्रोम है, व्हाट्सएप है, जाइए, स्क्रीन शेयरिंग उसके बाद होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, दिखाया जा रहा है इस बॉक्स के अंदर में। इस प्रकार से स्क्रीन शेयर हम कर सकते हैं। स्क्रीन को ऑफ करने के बाएं साइड में एक बॉक्स दिया गया है जिसमें स्टॉप शेयर का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ से भी स्टॉप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप जूम के मेन पेज पे जाकर के भी आप नीचे आपका रेड कलर में स्टॉप शेयर लिखा था उससे भी आप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आप कर। पिंकी मैम क्लियर हो गया, समझ में आ गया सारी चीजें? फोटो को कैसे शेयर करना है ये भी यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। फोटो बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहां से आप अपने सारे फोटो को दिखा सकते हैं। अभी अभी सुरेंद्र सर ये पूछा जा रहा था आपको, आप भी ध्यान से देखिएगा, तो आपको फोटो को क्लिक करके आप अपने सारे फोटो को भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो फोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए, आपके स्क्रीन पे दिखना वहां से शुरू हो जाएगा। ये थी हमारी टोटल ट्रेनिंग जो आज आप लोग को दिया गया। आप मैडम कोई भी चीज आपसे पूछा जाएगा तो आप किसी को भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे मैं इस ट्रेनिंग के विषय में बहुत सारे सवाल पूछूंगा, आपको बताना होगा, ठीक है मैडम? बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई साथीगण है जिनको अभी भी कोई प्रश्न पूछना है तो अपना आप लोग अपना अपना हैंड रेज करें ताकि आप लोग इसके बारे में फिर से आप अवेयर हो सके। कोई भी साथीगण जो अभी तक इसको नहीं समझ पाए हैं, अभी भी किसी के मन में जूम से कोई भी सवाल है तो कृपया आप बारी बारी से फिर से पूछिए। संतोष, अच्छा सुरेंद्र विश्वकर्मा सर, सर आइए मंच पे, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बताइए सर क्या जानकारी चाहिए आपको? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर चैट बॉक्स में जो है वो मीटिंग और सीटिंग आता है उससे क्या होता है सर?
मीटिंग सेटिंग है, मीटिंग सेटिंग में आप उस ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपको सेटिंग में कुछ कुछ ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ऑप्शन में ये आएगा आप अपना साउंड इनेबल करते हैं, डिसेबल करना है, और भी कुछ कुछ चीजें आती हैं जनरली कर करके। मीटिंग सेटिंग, मीटिंग सेटिंग में क्या ऑप्शन आता है, लॉक मीटिंग रूम का ऑप्शन आएगा। Allow show meeting controls or meeting topic, show name when the participant join, show non video participant, show my video or gallery view, stop incoming. Okay sir. आपको mute upon entry आता होगा, आ रहा है सर। इसमें हमको बहुत सारे ऑप्शन भी है, जिसमें मीटिंग सेटिंग में अलाउ शो मीटिंग कंट्रोल्स, उसके बाद है मीटिंग टॉपिक, शो नॉन द पार्टिसिपेट ज्वाइन, शो नॉन वीडियो दो नेम व्हेन पार्टिसिपेट ज्वाइन, आप नाम दिखाना चाहते हैं, उसको हाइड करना चाहते हैं, उसके लिए ऑप्शन दिया गया, ठीक है। उसके बाद गैलरी व्यू, ठीक है, माय वीडियो इन गैलरी व्यू, और स्टॉप इनकमिंग वीडियो, हाँ, ये सारे ऑप्शन को आप चाहते हैं ऑन करना ऑन कर सकते हैं, बंद करना चाहते हैं बंद कर सकते हैं। अगर आप उनको आगे क्लिक कर देंगे ग्रीन हो जाएगा तो ऑन हो जाएगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा, अगर आप बंद कर देंगे तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इसमें से मेरा दो वो नहीं सर, सो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट और सो माय वीडियो इन गैलरी भी, ठीक है, कोई बात नहीं है। सो और क्या ऑन है आपका, नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स, हाँ, उसके बाद है सो माय वीडियो इन गैलरी व्यू, आप उसको बंद भी कर सकते हो, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसको ऑन करना, आपको दिखाना है तो आपको ऑन करना है, नहीं तो आप उसको बंद कर दीजिए जी, क्योंकि ये पहले से ऑप्शन मैं चालू नहीं किया था, ये पहले से जैसे मीटिंग सब में ऑन रहता। आप मान लीजिए कई बार वीडियो ऑन करना चाहते हैं, अगर आप उसको ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो फिर आपका शो नहीं करेगा, फिर आपको दोबारा से सेटिंग में जाकर उसको ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा जी। वो आपके पास कंट्रोल है जी। हम यहाँ से चाहे तो उसको लॉक कर सकते हैं, होस्ट के पास वो पावर होता है, जो आपके पास पावर है वो उसको सीज कर सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई विशेष जरूरत नहीं है, कि जो चीज को नहीं करने की जरूरत होती है हम उसको ऑन रख देते हैं, तो कई बार हम लोग किसी आदमी का वीडियो देखना होता है तो हम लोग उसको ऑन रखते हैं। और कोई सवाल सर, और कोई व्यक्ति है जिनको कोई सवाल पूछना है? थैंक यू सर, वेलकम सर। और कोई साथीगण है जिनको कोई सवाल पूछना है, कृपया बारी बारी हैंड रेज करें प्लीज।